की बातें जान लोगे तो आगे चल के और फायदा होगा। शर्माइए नहीं, आज ही अपने नजदीकी आशा दीदी या ANM दीदी से जाकर मिलिए और परिवार नियोजन से जुड़ी पूरी जानकारी लीजिए, जैसे आज हम दोनों जा रहे हैं। क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? नहीं। हाँ बैठो। आशा दीदी के पास जाकर तुम्हारा भी पंजीकरण स्वास्थ्य केंद्र पर करवा देता हूँ, ताकि वो हमारे होने वाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए क्या क्या करना है इसकी जानकारी हमें देती रहे। हाँ तो हम लोग आज ही चलते हैं, ताकि आशा दीदी के पास जाकर आज ही हमें कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। ठीक है। सविता। हाँ। पहले जानकारी के अभाव में मैं अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाता था। हाँ। ना तुम्हें समय दे पाता था और ना तुम्हारे खाने पीने का सही से ख्याल रख पाता था। मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि तुम पहली बार माँ बनने जा रही हो। चलो लेकिन आशा दीदी से बात करके और उनके बनाए गए वीडियो को देखकर ये समझ में आ गया कि तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, खास तौर पर इस समय तो और भी ज़्यादा ज़रूरी, ताकि तुम और आने वाली ज़िंदगी दोनों सेहतमंद रहो। जैसे तुम मेरा ख्याल रखती आई हो ना, वैसे ही अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और मैं भी अब अपना पूरा ख्याल रखूँगी। हाँ और अब आप और भी प्यारे हो गए। चलो चलते हैं। लगता है जो आशा दीदी ने तुम्हें वीडियो दिखाया था उसका तुम पर अच्छा असर पड़ा है। खून की जांच की रिपोर्ट भी अच्छी आई है। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सेहतमंद हो। जी दीदी, हमने तो चौथा महीना शुरू होते ही आयरन की गोली लेनी शुरू कर दी थी। आशा दीदी के वीडियो को देखकर और उनकी बातें सुनकर समझ में आया कि आयरन की गोली रोज लेने से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। और हाँ, आंगनवाड़ी दीदी के कहने पे हम अपने खाने में 5 चीज़ें ज़रूर लेते हैं, दूध दही लाल पीले फल भी खाते हैं। हमें तो ये भी पता चल गया है कि हरी सब्जियां खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। वाह डॉक्टर चांदनी, तुम ये जानकारी अपने अड़ोस पड़ोस की दूसरी महिलाओं को भी दे देना। जी दीदी। मनीषा रे, पहला 1000 दिन मतलब 3 साल तक अब दूसरा चरण शुरू होता है रे। बच्चा का जन्म लेने का ये 6 महीना तक चलेगा। बच्चा के जन्म लेने के बाद तुमको ना बच्चा का पोषण, टीकाकरण और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है रे। इस सब में ना माँ का दूध अहम भूमिका निभाता है। माँ का दूध बच्चा का केवल पेट ही नहीं भरता, बल्कि इसमें ऐसा कई गो तत्व पाया जाता है रे, जिससे बच्चा को बीमारी से लड़ने का क्षमता बढ़ाता है। इसीलिए माँ को केवल 6 महीना तक अपना ही दूध पिलाना चाहिए। इस दौरान बच्चा को बाहरी दूध नहीं देना चाहिए और तो और पानी तक नहीं पिलाना चाहिए, जिससे ना बच्चा तगड़ा और तंदुरुस्त रहता है रे। जी दीदी। दीदी आपको तो पता है ना कि मेरी माँ और सासू माँ दोनों ही हमारे पास से कितने दूर रहते हैं, और कोरोना के समय में वो तो हमारे पास आ भी नहीं सकी। और ऐसे समय में आपके जरिए भेजा गया वीडियो व्हाट्सएप पर देखकर ही मुझे ऐसे सारे सवालों के जवाब मिल गए जो शायद हम खुलकर पूछ भी नहीं पा रहे थे। आपका, ANM दीदी का और डॉक्टर साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने परिवार नियोजन को लेकर पहले 1000 दिन को महत्व को बताया है कि कैसे हम अपने बच्चे को अच्छा भविष्य दे सकें। छोटा परिवार सुखी परिवार, यह बीते कई सालों से परिवार नियोजन की मुहिम का अभिन्न अंग रहा है। फिर इसमें अगर तंदुरुस्ती हजार नेमत की सोच भी शामिल हो तो क्या ही कहना। साल 2015 से लेकर 2021 के दौरान
डिजिटल ग्रीन के प्रोजेक्ट संवाद ने भी अपने अभियानों से इस सोच को काफी बढ़ाया। प्रोजेक्ट संवाद की इस कामयाबी का राज कहीं ना कहीं उनके जरिए इस्तेमाल में लाई गई सूचना और संचार की नई तकनीकी में ही छुपा हुआ है। प्रोजेक्ट संवाद ने कामयाबी के साथ इन मुद्दों पर समाज में एक चर्चा को कायम किया। कम्युनिटी वीडियोस हैव ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ कम्युनिटी एक्शंस इन द कम्युनिटी एंड हेल्प्ड इन मैसिव इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द कम्युनिटीज। The communities are cross-learning with the help of community videos and the ripple action is being seen all around in the communities today.